नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों अगर आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज की इस वीडियो में हम महिंद्रा XUV300 के साथ में किया सोनेट को कंपेयर करने वाले हैं। दोनों गाड़ियों का जो भी वेरिएंट हम कंपेयर करेंगे दोस्तों उसकी डिटेल मैं यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर आप सभी के लिए दे दूंगा। तो इस वीडियो में हमारे साथ में आखिर तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि हर एक सेक्शन के बाद में इन दोनों गाड़ियों को लेकर अगर आपके जहन में कुछ डाउट्स हैं या फिर सवाल हैं तो वो धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। और वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको दोनों गाड़ियों की प्राइस और प्राइस गैप भी बताऊंगा, जिसे जानकर आप अपने लिए एक सही फैसला कर पाएंगे कि आपको महिंद्रा की XUV300 लेनी चाहिए या फिर किया सोनेट लेनी चाहिए। क्या आपको लगता है किया सोनेट आपको महिंद्रा XUV300 से ज़्यादा बेहतर और मजबूत बिल्ड क्वालिटी ऑफर कर पाती है? इन दोनों गाड़ियों में जो प्राइस गैप है क्या वो हमें किया सोनेट लेने पर मजबूर कर सकता है? आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे हमेशा उसका इंतज़ार होता है। और अगर इन दोनों गाड़ियों को लेकर आपके जहन में भी कुछ सवाल या फिर डाउट्स हैं तो हम जानेंगे उन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन दोस्तों। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के सेगमेंट के बारे में और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज के बारे में। तो जहां तक दोनों गाड़ियों के सेगमेंट का सवाल है, दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ियां हैं और इस सेगमेंट की प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 6,71,000 रुपीज़ से लेकर ये चली जाती है लगभग 13 लाख रुपीज़ तक। लेकिन किया सोनेट के अभी भी टॉप 2 वेरिएंट्स की प्राइसिंग ऑफिशियली अनाउंस होना बाकी है, तो हो सकता है ये सेगमेंट की प्राइस रेंज और ज़्यादा बढ़ जाए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में। तो जहां तक लेंथ का सवाल है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, लेंथ के मामले में दोनों ही गाड़ियां बराबर है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों में महिंद्रा की XUV300 विड्थ के मामले में 13 mm, हाइट के मामले में 17 mm और व्हील बेस के मामले में लगभग 100 mm ज़्यादा बड़ी है। अब पहुंचते हैं अगले पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में। यहाँ पर हम केवल मैनुअल ट्रांसमिशंस को कंसिडर कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि महिंद्रा की XUV300 में आपको केवल AMT का ऑप्शन ही मिलता है, कोई भी प्योर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पेट्रोल इंजन से। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, सोनेट के इस वेरिएंट में आपको केवल 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 120 PS की पावर जनरेट करता है 6000 RPM पर और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 4000 RPM पर। वहीं XUV300 में आपको मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन, जो कि 110 PS की पावर जनरेट करता है 5000 RPM पर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 2000 से लेकर 3500 RPM पर। डीजल में सोनेट में आपको मिलता है 1.5 लीटर का डीजल इंजन, जो कि 100 PS की पावर जनरेट करता है 4000 RPM पर और 240 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2750 RPM पर। वही XUV300 में आपको मिलता है 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन, जो कि 116 PS की पावर जनरेट करता है 3750 RPM पर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 1500 से लेकर 2500 RPM। अब देखते हैं दोस्तों कि बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोनों गाड़ियां कैसी है। तो एक नज़र डालेंगे दोनों गाड़ियों की कर्व वेट पर, जिसे जानकर हमें बेसिक सा अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों में से कौन सी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा मजबूत है। तो जहां तक किया सोनेट का सवाल है दोस्तों, इसका कर्व वेट है 1081 किलोग्राम से लेकर 1233 किलोग्राम तक। वहीं महिंद्रा XUV300 का वजन है 1307 किलोग्राम से लेकर 1404 किलोग्राम तक। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस और टर्निंग रेडियस के बारे में। ग्राउंड क्लियरेंस का जहां तक सवाल है दोस्तों, महिंद्रा की XUV300 में आपको मात्र 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, वहीं किया सोनेट में आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। अब एक नज़र दोनों गाड़ियों के टर्निंग रेडियस पर भी डालकर उस पर भी गौर कर लेते हैं। तो जहां पर किया सोनेट में आपको 5.1 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है, वहीं महिंद्रा XUV300 में आपको 5.3 मीटर का टर्निंग रेडियस ऑफर किया जाता है। अब पहुंचते हैं आगे दोस्तों और बात कर लेते हैं फ्यूल टैंक कैपेसिटी के बारे में। तो जहां पर महिंद्रा की XUV300 में आपको 42 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर होता है, वहीं किया सोनेट में आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक ऑफर किया जाता है।
फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात हो ही रही है तो लगे हाथों दोनों गाड़ियों के माइलेज पर भी एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। महिंद्रा की XUV300 में आपको 17 KMPL से लेकर 20 KMPL का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है, वही किया सोनेट में आपको 18 KMPL से लेकर 24 KMPL का कंबाइन माइलेज क्लेम किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के बूट स्पेस के बारे में। बूट स्पेस का जहां तक सवाल है दोस्तों, महिंद्रा XUV300 में आपको सेगमेंट का सबसे लोएस्ट यानी कि 257 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है, वहीं किया सोनेट में आपको सेगमेंट का सबसे ज़्यादा 392 लीटर का बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों एंड नाउ लेट्स मूव ऑन एंड टॉक अबाउट दी अलॉयज या फिर व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों गाड़ियों में इस वेरिएंट में आपको 16 इंचेस के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जहां पर किया सोनेट में आपको मेटालिक सिल्वर स्टाइल के व्हील्स ऑफर किए जाते हैं, वहीं महिंद्रा XUV300 के इस वेरिएंट में आपको मात्र स्टील रिम्स ऑफर किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले एक नज़र डालते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले कॉमन फीचर्स पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, दोनों गाड़ियों में आपको फॉलो मी होम हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। हेडलैम्प की जहां तक बात है, सोनेट में आपको LED हेडलैम्प्स मिलते हैं, वहीं XUV300 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको ऑटो हेडलैम्प्स भी देखने को मिल जाएंगे। दोनों गाड़ियां आपको फ्रंट फॉग लैम्प्स के साथ में आती हैं, उसी के साथ में आपको LED DRLs भी ऑफर किए जाते हैं। दोनों गाड़ियों में आपको LED टेल लैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। साथ में दोनों गाड़ियों में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORBMs विद LED टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट भी दोनों गाड़ियों में ऑफर की जाती हैं। व्हील्स की जहां तक बात है, सोनेट में आपको 16 इंचेस के मेटालिक सिल्वर व्हील्स मिलते हैं, वहीं XUV300 के इस वेरिएंट में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। रूफ रेल भी दोनों गाड़ियों की खूबसूरती को बढ़ाता है। दोनों गाड़ियों में आपको फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको कीलेस एंट्री भी मिलती है। उसी के साथ साथ दोनों गाड़ियों में आपको पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप का फीचर भी ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियां लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और गियर नॉब ऑफर करती हैं। उसी के साथ साथ आपको इसमें क्रूज कंट्रोल भी ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको टिल्ट पावर स्टीयरिंग मिलती है, लेकिन टेलीस्कोपिक का फीचर नहीं मिलता। स्टीयरिंग माउंटेड फोन एंड ऑडियो कंट्रोल्स दोनों गाड़ियों में ऑफर किए जाते हैं। AC की जहां तक बात है, दोनों गाड़ियों में इस वेरिएंट में आपको फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, लेकिन महिंद्रा XUV300 में आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। सेफ्टी में आपको दोनों गाड़ियां एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि ABS ऑफर करती हैं। उसी के साथ साथ दोनों गाड़ियों में आपको इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि EBD भी ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियों में आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, साथ में रिवर्स कैमरा विद गाइडलाइंस भी ऑफर किया जाता है। दोनों गाड़ियों में इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल भी मिलता है। और सबसे आखिर में इम्पॉर्टेंट फीचर, दोनों गाड़ियों में आपको ड्यूअल एयरबैग्स भी ऑफर किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों किया सोनेट में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको महिंद्रा की XUV300 में देखने को नहीं मिलेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, किया सोनेट के इस वेरिएंट में आपको प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स ऑफर किए जाते हैं। उसी के साथ साथ सोनेट में आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाता है। सेमी लेदर सीट्स यहाँ पर ऑफर की जाती हैं। साथ में किया सोनेट में आपको रिमोट स्टार्ट ऑन स्मार्ट की का फीचर भी मिलता है। किया सोनेट में आपको डे नाइट IRVM भी ऑफर किया जाता है। उसी के साथ साथ आपको रियर AC वेंट्स भी ऑफर किए जाते हैं। किया सोनेट के इस वेरिएंट में आपको रियर बम्पर विद ड्यूअल मफलर डिजाइन ऑफर किया जाता है। किया सोनेट के इस वेरिएंट में आपको 8 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम विद 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड UO Light फीचर्स ऑफर करता है। अगली चीज, किया सोनेट में आपको वायरलेस फोन प्रोजेक्शन ऑफर किया जाता है। उसी के साथ साथ ड्राइवर की सहूलियत के लिए ड्राइविंग रियर व्यू मॉनिटर ऑफर किया जाता है। और सबसे आखिरी और हम इंडियंस का चहेता इलेक्ट्रिक सनरूफ भी इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। लेकिन दूसरी ओर यहां पर एक पूरी चीज ये है दोस्तों कि इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी सोनेट के इस वेरिएंट में आपको केवल बेस वेरिएंट में जितने सेफ्टी फीचर्स ऑफर किए जाते हैं उतने ही सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं, जो कि आज की डेट में मारुति की 3 लाख रुपए की ऑल्टो में भी देखने को मिल जाते हैं, जो एक बहुत ही बुरी चीज है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में और बात कर लेते हैं महिंद्रा XUV300 में मिलने वाले उन सभी फीचर्स के बारे में जो आपको किया सोनेट में देखने को नहीं मिलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले फीचर से, तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, XUV300 के इस वेरिएंट में आपको इल्यूमिनेटेड बूट एंड ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाता है। अगली चीज, इस वेरिएंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स ऑफर किए जाते हैं। साथ में इस गाड़ी में आपको रियर वाइपर एंड वॉशर का फीचर भी ऑफर किया जाता है।
XUV300 की इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज ऑफर किया जाता है। अगली चीज, इस गाड़ी में आपको 60-40 स्प्लिट रियर सीट ऑफर की जाती है और साथ में आपको एडजस्टेबल बूट फ्लोर भी देखने को मिल जाएगा। XUV300 के इस वेरिएंट में आपको रियर स्पॉइलर भी ऑफर किया जाता है। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको इनबिल्ट GPS नेविगेशन भी देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा XUV300 में आपको 7 इंचेस का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम मिलेगा अलॉन्ग विथ 4 स्पीकर एंड 2 ट्विटर्स, ब्लूटूथ ऑक्स, USB कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स के साथ में। इस गाड़ी में आपको टायर पोजीशन डिस्प्ले भी देखने को मिल जाता है। उसके साथ में आपको वन टच लेन चेंज इंडिकेटर का फीचर भी ऑफर किया जाता है। महिंद्रा XUV300 में आपको ब्लू सेंस ऐप और स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी भी ऑफर की जाती है। इस गाड़ी में आपको मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स मिलते हैं जो सेगमेंट में किसी भी गाड़ी में नहीं मिलते हैं। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी जिसे हम आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप भी कहते हैं। सेफ्टी में ये गाड़ी आपको कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल का फीचर ऑफर करती है। बेस वेरिएंट से ही महिंद्रा XUV300 में आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिलते हैं और एक और जरूरी चीज, इस गाड़ी में आपको पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच भी ऑफर किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के वारंटी ऑफर के बारे में। तो जहां पर महिंद्रा XUV300 में आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है, वही किया सोनेट में भी आपको 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी ऑफर की जाती है, लेकिन उसके साथ में आपको किया 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक का रोड साइड असिस्टेंस भी ऑफर करती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि किया सोनेट में आपको स्लाइटली बेटर वारंटी ऑफर मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डालते हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के मेंटेनेंस पर। तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए या फिर शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि महिंद्रा XUV300 का मेंटेनेंस किया सोनेट से थोड़ा सा सस्ता है, लेकिन इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है दोस्तों कि महिंद्रा की जो आफ्टर सेल सर्विस है उसमें काफ़ी सारी जगहों पर इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। एक चीज़ महिंद्रा के बारे में हमेशा कही जाती है और जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों कि महिंद्रा के यहाँ पर अगर आप कोई भी दिक्कत या कंप्लेंट अगर लेते हैं करते हैं सर्विस सेंटर में तो उस पर एक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर किया सोनेट आपको थोड़ा सा स्लाइटली बेटर वारंटी के साथ में देखने को मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव की ओर, जो कि है प्राइसिंग दोस्तों। लेकिन प्राइसिंग बताने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा कि मेरे इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में जो भी प्राइसेस मैं कोट करता हूँ वो सभी के सभी प्राइसेस एक शोरूम कॉस्ट मुंबई होते हैं, गाड़ियों की ऑफिशियल वेबसाइट से लिए जाते हैं। तो अपने शहर में एग्जैक्ट प्राइसिंग के लिए आपको हमेशा अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों वो ये है कि किया सोनेट के जितने भी वेरिएंट्स हैं उसकी प्राइसिंग पर मैं एक डिटेल एनालिसिस बेहतरीन वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं आप सभी के लिए ओपन आई बटन में दे दूँगा, वहाँ से उस वीडियो को आप देख सकते हैं जो आपकी आँखें खोल देगा। तीसरी चीज़ यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि यहाँ पर हम केवल मैनुअल ट्रांसमिशंस को ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि महिंद्रा XUV300 में आपको केवल AMT ट्रांसमिशन मिलता है, किसी भी तरीके से कोई भी प्योर ऑटोमेटिक यानी कि टॉक कन्वर्टर, CVT या फिर DCT इनमें से कोई भी ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेट्रोल वेरिएंट के प्राइसिंग के बारे में दोनों गाड़ियों की। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सोनेट का पेट्रोल HTX वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,99,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं XUV300 पेट्रोल W8 वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको मिलेगा 9,90,000 रुपीज तक का, जो कि सोनेट से 9,000 रुपीज सस्ता आता है। अब बात करते हैं डीजल के बारे में। सोनेट का डीजल HTX वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 9,99,000 रुपीज तक का मिल जाता है। वहीं XUV300 का डीजल W8 वेरिएंट मैनुअल में एक शोरूम कॉस्ट मुंबई के हिसाब से आपको 10,75,000 रुपीज तक का मिल जाता है, जो कि किया सोनेट के इस वेरिएंट से 76,000 रुपीज महंगा आता है। अब बात करते हैं XUV300 का W8 वेरिएंट सोनेट के HTX वेरिएंट से पेट्रोल में 9,000 रुपीज सस्ता और डीजल में 76,000 रुपीज महंगा आता है। अगर आपको सनरूफ चाहिए तो आप किया सोनेट का HTX वेरिएंट ले सकते हैं, वरना XUV300 अपने बेहतरीन पावर एंड परफॉर्मिंग इंजन्स के साथ में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स, रियर वाइपर एंड वॉशर, रियर स्पॉइलर, इनबिल्ट GPS नेविगेशन, इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, टायर पोजीशन डिस्प्ले, वन टच लेन चेंज इंडिकेटर, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल, ऑल फोर डिस्क ब्रेक एंड पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच जैसे कुछ बेहतरीन फीचर्स ऑफर करती है। अब बात करते हैं दोस्तों सेगमेंट में कंपटीशन के बारे में। तो इस सेगमेंट में इन दोनों गाड़ियों के अलावा आपको फोर्ड की इकोस्पोर्ट, टाटा की नेक्सॉन, ह्यूंडई की वेन्यू,
उसके अलावा मारुति की ब्रेजा और होंडा की WRV और हाल ही में जल्द ही आने वाले निसान की मैग्नाइट एक दूसरे के साथ में गला काट कॉम्पिटिशन करती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं वीडियो में दोस्तों और बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के ड्रॉबैक्स पर, और शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोनेट से। तो सोनेट का सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि IMT ट्रांसमिशन जो है वो आपको केवल पेट्रोल वेरिएंट के साथ में अवेलेबल होता है, ये डीजल वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर यह है दोस्तों कि सोनेट की राइड क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी स्टिफर साइड पर है। तीसरा ड्रॉबैक सोनेट में आपको देखने को मिलेगा कि इसके इंजन्स आपको फ्रंट टू ड्राइव्स नहीं लगेंगे। चौथा ड्रॉबैक है सोनेट में दोस्तों, रियर सीट पर आपको स्पेस की काफ़ी कमी महसूस होगी। पांचवा और आखिरी ड्रॉबैक है दोस्तों, किया सोनेट का जो HTX प्लस और GTX प्लस वेरिएंट है उसमें पेट्रोल में आपको केवल IMT ट्रांसमिशन मिलेगा, इसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता। अब बात कर लेते हैं महिंद्रा XUV300 के बारे में। सबसे पहला ड्रॉबैक है दोस्तों कि इसका इंटीरियर फिट एंड फिनिश क्वालिटी कुड हैव बीन मच बेटर। दूसरा ड्रॉबैक है दोस्तों, NVH लेवल जो है XUV300 में वो थोड़े से हायर साइड पर है, उसे थोड़ा और बेहतर काम उस पर किया जा सकता था। तीसरा ड्रॉबैक है दोस्तों, इसमें आपको सेगमेंट का सबसे लोएस्ट बूट स्पेस ऑफर किया जाता है। चौथा और आखिरी ड्रॉबैक, महिंद्रा XUV300 में आपको केवल AMT ट्रांसमिशन मिलता है, इसमें किसी भी तरीके से आपको प्योरली ऑटोमेटिक यानी कि टॉर्क कन्वर्टर, CVT या फिर DCT ट्रांसमिशन ऑफर नहीं किया जाता है। अब और आगे बढ़ते हैं दोस्तों और पहुंचते हैं ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में बात करने के लिए। तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है या दो राय नहीं है कि किया सोनेट एक बहुत ही मॉडर्न एज अप मार्केट और कॉन्टेम्प्ररी कार है। उसी के साथ साथ ये आपको स्लाइटली थोड़ा सा बेहतर वारंटी ऑफर के साथ में आती है, लेकिन जब इन दोनों गाड़ियों को मैं एज अ ओवरऑल पैकेज के तौर पर या फिर वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट के तौर पर कंपेयर करता हूँ और देखता हूँ तो मुझे महिंद्रा XUV300 क्लियर विनर यहाँ पर साबित होती हुई नजर आती है। अब पहुँचते हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में दोस्तों और बात कर लेते हैं मेरी राय के बारे में यानी कि मेरे ओपिनियन के बारे में। तो अपने लिए मैं हर हिसाब से दोस्तों महिंद्रा की XUV300 लेना पसंद करूंगा, और इस चॉइस का पूरा क्रेडिट जाता है इसकी बेहतर बिल्ड क्वालिटी, बेस्ट राइड एंड हैंडलिंग, बेस्ट कंफर्ट, 2600 mm का व्हील बेस, उसी के साथ साथ बेहतरीन केबिन स्पेस, बेस्ट परफॉर्मिंग एंड पावर आउटपुट वाले इसके जो इंजिन है उनको, और सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग्स जैसी कई सारी चीज़ों को। अब एज अ व्यूअर और कंज्यूमर आप सभी को सोचना है दोस्तों कि आप अपने लिए कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तवज्जो देते हैं, और दोनों में से कौन सी गाड़ी अपने लिए घर लाते हैं। ये हो गया मेरा पहला सवाल। आपके लिए दूसरा सवाल दोस्तों कि इन दोनों गाड़ियों में से आपकी राय में कौन सी गाड़ी आपके लिए ज़्यादा बेहतर और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित होती है, इसका भी मुझे इंतज़ार रहेगा। और तीसरा सवाल आपके लिए दोस्तों कि आज की इस वीडियो में घमासान में आपकी राय में दोनों में से कौन सी गाड़ी क्लियर विनर साबित होती है, इन सभी सवालों के जवाब का मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में इंतज़ार रहेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमेशा की तरह जब तक हम और आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा, अपनी और दूसरों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।